फिर आहुति मंत्र पांच मंत्रों से पांच बार घी की आहुति अग्नि में देते हैं और अग्नि देव को नमन करते हुए हे अग्निदेव जैसे तू अपने को जलाकर तपा करके पूरे संसार को लाभ दे रहे हो वैसा मेरा जीवन बन जाए और तेरे ओज तेज को मैं धारण करके मैं भी अग्नि की तरह प्रज्वलित होकर के ज्ञान का प्रकाश बुद्धि का प्रकाश सामर्थ्य का प्रकाश दूसरों को लाभकारी हो जाए। ओम अयंत इदमयात्मा जात वेदस्य नेधस्य वरधस्य चेद वरधे चात्मन प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसे नानाधेन समेधया स्वाहा। चम्मच डालिए। इदम अग्नये जात वेदसे घन्न मम। ओम अयंत इदमयात्मा जात वेदस्य नेधस्य वरधस्य चेद वरधे चात्मान प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसे नानाधेन समेधया स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसे घन्न मम। ओम अयंत इदमयात्मा जात वेदस्य नेधस्य वरधस्य चेद वरधे चात्मान प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसे नानाधेन समेधया स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसे घन्न मम। ओम अयंत इदमयात्मा जात वेदस्य नेधस्य वरधस्य चेद वरधे चात्मान प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसे नान्याधेन समेधया स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसे घन्न मम। ओम अयंत इदमयात्मा जात वेदसे वर्धस्व चेद वर्धे चास्मान प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसे नान्याधेन समेधया स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसे घन्न मम। हम लोग जल का जैसे सिंचन करते हैं तीन मंत्रों से। पहले मंत्र से पूरा दिशा से जल को हथेली में लेकर के और दक्षिण से उसको जला दीजिए लकड़ी में शीशा कर दीजिए। हाथ में जल लेकर के दाहिने तरफ मंत्रों मंत्र जब बोलूंगा तो किस तरफ से दीपक की तरफ ले जाइएगा जल को। दूसरा मंत्र बोलूंगा तो आप जल को हाथ में लेके